हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय सेल्फ हिना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक फेमस प्ले है जिसका नाम है द वल्चर्स, जो लिखी है विजय तेंदुलकर जी ने, उसके बारे में हम डिटेल समरी देखेंगे इन हिंदी। फ्रेंड्स, ये वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बिकॉज आप जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइज, अगर आप मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले, ताकि आप आने वाले वीडियो जल्दी से आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विजय तेंदुलकर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी 1928 मुंबई में हुआ था और उनकी डेथ 19 मई 2008 पुणे में हुई थी। विजय तेंदुलकर एक प्रसिद्ध मराठी नाट्यकार, लेखक, निबंधकार, फिल्म और टीवी पथकथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टिपकार थे। भारतीय नाट्य और साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान रहा है। वो सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, जिसका नाम है कन्यादान, द वल्चर्स, फाइव प्लेस, कलेक्टेड प्लेस इन ट्रांसलेशन, कन्यादान एंड मैनी मोर। इसके अलावा उन्होंने मूवीज़ भी लिखी है और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी एंड मोर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कैरेक्टर्स इन दिस प्ले एंड देन स्टार्ट द प्ले। ये जो प्ले द वल्चर्स, वो पिताले परिवार की कहानी कहता है। ये है पप्पा हरि पितले और उनका भाई सखाराम। पप्पा हरि पितले और उनके भाई सखाराम ने कड़ी मेहनत की और द हरि सखाराम कंपनी नामक एक कंपनी का निर्माण किया। उन्होंने बहुत मेहनत की और ये जो व्यापार है वो समृद्ध बना दिया। शुरुआत में उन्होंने संयुक्त रूप से ये जो जवाबदारी है वो निभाई, लेकिन जब व्यापार फूला फला, बहुत उन्हें कामयाबी मिलने लगी, तब हरि पितले ने बहुत चालाकी से जो सारी संयुक्त संपत्ति थी वो चतुराई से हड़प लेता है और सखाराम कानून के पास जाकर भी अदालत में भी वो फेल हो जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। सखाराम को घर से बाहर निकाल देता है और दरिद्र रह जाता है सखाराम। ये जो पप्पा है वो क्या करते हैं, उसके भाई जो है सखाराम, उसको उसकी सारी संपत्ति हड़प लेता है और अपने घर से बाहर भी निकल देता है और जो सखाराम है वो दरिद्र रह जाता है। पप्पा हरि धोखे से अपने भाई के बीच में छोड़कर अपनी जो कंपनी है उसकी सारी शक्ति हड़प लेता है और सखाराम है वो गरीबी में गिर जाता है। पप्पा के दो बेटे हैं, एक रमाकांत और दूसरा उमाकांत, जो पहले ही पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त कर चुके हैं और उसे अपने आखिरी पैसे में निचोड़ना चाहते हैं। मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, दोनों जानलेवा हमले करते हैं एक दूसरे के ऊपर और योजना बनाते रहते हैं उसे बाहर निकाल दे। इसके बाद पैसों के लिए आपस में जमकर मारपीट करते हैं। उनकी एक बहन है जिसका नाम माणिक होता है, जिन्होंने पप्पा के खिलाफ अपनी योजना में गुप्त रूप से पुष्टि की थी कि होंडूर के एक राजा है जिससे वो जो उसकी बहन है माणिक, उसका एक अवैध संबंध होता है जो उससे गर्भवती हो जाती है। उसके भाई वो राजा से, जो होंडूर के राजा है, उसके पास से पैसे निकालने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो राजा को ब्लैकमेल करने लगते हैं और ब्लैकमेल करने की साजिश करते हैं, लेकिन वह यह जानकर निराश हो जाते हैं कि जो राजा है उसको दिल का दौरा पड़ जाता है। अब दोनों ने माणिक के गर्भ में लात मारकर माणिक के गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसका गर्भपात हो जाता है।
रमाकांत की वाइफ है जिसका नाम राम होता है, वो लंबे टाइम से उसको कोई बेबी नहीं है, संतान नहीं है, तो पापा का एक नाजायज पुत्र है जिसका नाम रजनीनाथ है, उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पे अत्यंत व्याकुल गुस्से वाली जो माणिक है उसने उन्माद के राम का भी परित्याग कर दिया। हिंसा की भयानक श्रृंखला ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जबकि रजनीनाथ जो है वो अच्छी तरह से जानता होता है कि ये लोग इतने बुरे हैं कि उनको बचाया नहीं जा सकता है, फिर भी वो प्रार्थना करता है कि ईश्वर इन पे दया रखे, उनकी दया की प्रार्थना करता है। अब ये जो प्ले है फ्रेंड्स द वुल्चर्स, उसके जो कैरेक्टर है वो ये सोचते हैं कि पैसे से सभी शक्तियाँ, जो पैसा है वो सभी शक्ति का कारण है, राइट। जो हमारे पास अगर पैसे होंगे तो हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, हमारे पास शक्ति आ जाती है, राइट। पैसे के लिए पात्र दुष्ट व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, और कई स्थिति में वो लोग हिंसक हो जाते हैं। जहाँ पैसों की बात होती है वहाँ पे जो उसका पिता है, उनके दो बेटे हैं, उनकी बेटी, दोनों सभी मारपीट करने लगते हैं। इन कैरेक्टर्स के माध्यम ये जो ऑथर है उन्होंने ये जो हमारे समाज की का जो दृश्य है वो हमारे सामने लाया है कि मान जो इंसान है उनका स्वभाव, उनका नेचर शैतानी प्रवृत्तियों को भी दिखाना चाहता है, राइट। सखाराम है वो पप्पा, सखाराम की पप्पा की पिटाई, रमाकांत की माली, जगन्नाथ की पिटाई, उमाकांत और रमाकांत का माणिक और पप्पा के साथ व्यवहार, ये सभी पैसे के लिए पात्रों के स्वार्थ, लालच, हिंसा और दुष्टता को इंगित करते हैं, जिसे वे एक शक्ति के रूप में सोचते हैं। सुख संतोष में निहित है और धन और शक्ति का लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। द वुल्चर्स में स्वार्थ, धन, चित्तता और सत्ता का लालच रमाकांत और उमाकांत जैसे पात्रों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक परिवार के भीतर पारिवारिक संबंधों के पतन को दिखाता है और आधुनिक समाज में एक परिवार के सदस्यों की घटिया मानसिकता और मूर्खतापूर्ण व्यवहार को भी दर्शाता है। रमाकांत और उमाकांत के लालच के कारण उन्होंने खुद को हिंसक गतिविधियों में शामिल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप माणिक का गर्भपात हो गया। नाटक में रमाकांत, उमाकांत और माणिक ताश खेलते हैं, रम्मी का खेल खेलते हैं वो लोग। जब वो लोग रम्मी का खेल खेलते होते हैं तब जो माणिक है, जो रमाकांत और उमाकांत की सिस्टर है, उसके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बातचीत होती है और माणिक उसके रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। तो रमाकांत और उमाकांत होंडुर के जो राजा है उसको ब्लैकमेल करने की प्लानिंग करते हैं, जिसके साथ माणिक का रिलेशनशिप है। उन्होंने ये भी प्लानिंग की है कि जो माणिक की जो प्रेगनेंसी है उसको होंडुर के राजा को 20,000 रुपये के लिए ब्लैकमेल करेंगे और उससे ये पैसे वसूल लेंगे। ये घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग माणिक को घर में बंद कर देते हैं ताकि वो अपने जो प्रेमी है उसको मिलने ना जा पाए, और उनके एक हाथ या पैर को तोड़ने की प्लानिंग भी करते हैं। रमाकांत और उमाकांत उसकी जो सिस्टर है माणिक, उसका एक पैर या फिर एक हाथ तोड़ने की भी वो लोग प्लानिंग करते हैं। रमाकांत और उमाकांत सोचते हैं कि अभी राजा ज़्यादा नहीं बचे हैं लेकिन 20,000 ज़रूरी है, तो 10 तुम ले लेना और 10 मैं ले लेता हूँ, और अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए वो माणिक को नीचे बुलाते हैं। रमाकांत और उमाकांत ने माणिक को इस कदर पीटा कि उसका जो एक पैर है वो टूट जाता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी बदकिस्मती का दौर चल रहा होता है, होंडुर के जो राजा है उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। निराश भाइयों ने माणिक को इस कदर पीटा कि उसका जो प्रेग्नेंट होती है तो उसका गर्भपात हो जाता है, और दो भाई अपनी बहन माणिक को उसके जो प्रेमी है उसको ब्लैकमेल करने के लिए अपंग कर देते हैं उसको, और जब वह विफल हो जाते हैं तो उन पर और अधिक हिंसा करने लगते हैं। माणिक की चीख और उसका सीढ़ियों से नीचे आना, आधा रेंगना, एक पैर पर प्लास्टर, खून से लदी उसकी सफ़ेद साड़ी शायद भारतीय रंगमंच में सबसे अधिक प्रतिकारक दृश्य होगा। होश पूर्वक या अनजाने में वो पितृसत्ता की शक्ति को
सुदृढ़ करता है। ये दिखाता है कि यहाँ समाज में अभी भी जो पुरुष प्रधान है उसका ही चलता है। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पिताले परिवार है उसके जो सदस्य है वो ऑलवेज दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते रहते हैं। वो अक्सर दूसरों पर अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, न केवल अपने परिवार के सदस्यों पर बल्कि बाहरी लोगों पर भी। उनका एक जगन्नाथ नाम का एक माली होता है। पप्पा के बेटे अपने माली को पैसे ना देने के लिए कहते हैं और परिवार के लिए काम कर रहा होता है वो माली, और 2 महीने से उसका जो सैलरी है उसको नहीं मिलती है, तो माली अपने सैलरी अपना वेतन मांगने के लिए पप्पा के पास जाता है। तब उसके जो बेटे हैं वो उसे भला बुरा बहुत बोलने लगते हैं और बहुत डांटते रहते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हरी पीतले की जो बेटी है मानिक, वो भी माली को गाली देने लगती है, और क्योंकि वो अक्सर उनके घर जाता है और पैसे मांगता रहता है। जब भी वो घर आता है तो उनके पिता और भाई उनके उनसे झगड़ने लगते हैं और उससे उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है, राइट। तो मानिक को लगता है कि इन हंगामे के लिए उनकी नींद में खलेल पड़ती है। ये जो हंगामा होता है, जो लड़ाई होती है, उसकी वजह से उसकी नींद बिगड़ रही है मानिक की। तो मानिक भी जो माली है उसको गाली देती है और बड़ा बुरा बोलती है। इतना ही नहीं, रमाकांत माली को इस कदर पीटता है कि उनके मुंह से खून निकल आता है। यह शक्तिहीन पर शक्तिशाली के प्रभुत्व को दर्शाता है। उमाकांत, रमाकांत और मानिक द्वारा माली पर इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों से पता चलता है कि कैसे शक्तिशाली लोग भौतिकवादी दुनिया में शक्तिहीन लोगों का शोषण करते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं। इस परिवार के सभी सदस्य धनी और आत्मकेंद्रीय है। सत्ता पाने के लिए वो लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्त रमाकांत शराब का इतना अधीन हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करने में भी विफल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तेंदुलकर का जो प्ले है द वुल्चर्स, अपने आसपास के कुछ क्रूर, चालाक, बेईमान और लालची पुरुषों के उनके बोधगम्य अवलोकन पर आधारित है। उन्होंने इस नाटक को इस विश्वास के साथ लिखा था कि मनुष्य में वुल्चर्स की वृत्ति की जड़ें बहुत गहरी है। उन्होंने स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या और कपट से पीड़ित मनुष्य के जीवन के अर्थ का पता लगाने का प्रयास किया। मध्यवर्गीय जो मिडिल क्लास परिवार है उसके सदस्यों के संबंधों पर हावी होने वाला द वुल्चर्स का स्वभाव, गीत का स्वभाव नाटक का मूल मंत्र है। मनुष्य का स्वार्थ और लालच नाटक के प्रमुख मुद्दे है। नाटक जो प्ले है उसके जो कैरेक्टर है एक दूसरे से अधिक धन और सत्ता हथियाने के लिए, एक दूसरे को धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच अंतर संबंध निराशाजनक रूप से पतित होते हैं। उनकी सारी ताकत दूसरों को धोखा देने के लिए अमानवीय चाले खेलने में खर्च हो जाती है। आधुनिक सांस्कृतिक अपवित्रता और सुस्तता ने मनुष्य की शक्ति, धन और जनून के लिए बेलगाम वासना के परिणाम स्वरूप नपुंसक प्रतिद्वंदी की लूट का बेरहमी से शिकार किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो है वो और भी देखे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।